जय शिवाजी महाराज, मतलब गजब का काम किया है सभी ने। पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी ये, मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। छपाक का नाम मेरे आगे मत लीजिए मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं उन लोगों की पिक्चर देखना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो, मैं उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहता। ये फिल्म छपाक, इसमें जो बेचारी लक्ष्मी अग्रवाल है उस पर जो तेजाब फेंकने वाला जो बंदा था वो नदीम खान था, और उसको हिंदू राजेश दिखाया गया। राजेश शर्मा तो बेचारा म्यूजिक बना रहा है मुंबई में बैठ के, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये गलत दिखाया गया है, तो मैं छपाक को बायकॉट करता हूँ। छपाक का जिक्र मत कीजिए मेरे आगे। ताना जी, 5 to 5 ऐसे मूवीज बननी चाहिए। एक सेकंड के लिए लेट मी टेल यू, मैंने पूरे जिंदगी में ऐसा फील नहीं किया है। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि अजय देवगन ने जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ही इज क्रैश द स्क्रीन, वो बाहर आ चुके हैं। ही इज अमेजिंग इन द मूवी। सबको परफॉर्मेंस कितने पसंद आया है आपको? मुझे सैफ अली खान, मुझे उनका नेगेटिव रोल वाज वेरी गुड, वेरी गुड। हां सो सर, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा तानाजी का रोल बहुत पसंद आया, तानाजी का रोल पसंद आया। और शरद केलकर का भी बहुत एक्टिंग अच्छा था। अच्छा, उनका शिवाजी महाराज का रोल था। मैम आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ पसंद आया इस मूवी में? तानाजी का रोल है, नेट काजल का भी बहुत अच्छा रोल है। सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा इस मूवी का? जो लास्ट एंडिंग है वो ही है सबसे बेस्ट। ओके, सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा? लास्ट एंडिंग का बहुत सीन अच्छा था। एकदम फैंटास्टिक, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ बॉलीवुड लाइक इन द रीसेंट टाइम्स। यहाँ स्टोरी कितनी पसंद आई इस मूवी? स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज हम लोग को पता है कि सिंहगढ़ को हमने वापस कैसे लिया था, तो सिंहगढ़ नाम कैसे पढ़ा गया, ये हमने स्कूल में पढ़ा है। बट काफ़ी छोटा, यू नो, देर इज नॉट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, बट दिस मूवी गिव्स अ फुल स्केप अबाउट कि कैसे वो हुआ है, क्या हमने एक मुहिम चलाई थी उसके लिए। बट इट्स लाइक ओवरऑल डायरेक्शन से लेके परफॉर्मेंस से VFX एवरीथिंग इज लाइक टॉप नॉच। अजय देवगन तो क्लास ही है, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज बाय सैफ अली खान। ही इज मतलब जैसे वो खिलजी का पागलपन थी हमने देखा था रणवीर सिंह का, वैसे ही था, बट इट्स अमेजिंग। 5 5 star अमेजिंग मूवी, सुपर्ब मूवी, मीन्स पैसा वसूल मूवी। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद आई? आई विल रैंक ऑल थ्री एट द टॉप, तानाजी, सैफ अली खान, काजोल, अजय देवगन, ऑल थ्री वर फैबुलस। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? ऑफ कोर्स 4.5। कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। स्टोरी पसंद आई आपको? बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, और बहुत 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 ही बढ़िया काम था सैफ अली खान का, बहुत अच्छा काम था। इट इज वर्थ वॉचिंग 4.5 स्टार्स, बहुत मजा आया मूवी में। सैफ अली खान का नेगेटिव रोल बहुत खा रहा है मूवी को, मतलब इट इज़ लाइक टोटली वन साइड मूवी हो रहा है सैफ अली खान के वजह से। उनका एक्ट बहुत, भले वो हार जाते हैं बट स्टिल अगर कोई पूछता है कि मूवी में सबसे बेस्ट एक्टिंग किसनी है, तो आई वुड गो फॉर सैफ अली खान। बहुत अच्छी लगी, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन रिसेंटली, और मूवी देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बहुत खतरनाक, जय भवानी जय शिवाजी, बहुत खतरनाक मूवी। हाँ, डायरेक्शन पसंद आया, क्या नहीं, सब कुछ पसंद आया मुझे इस फिल्म का।